हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगली बार जो पीएससी होने वाला है, जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सिलेबस और पैटर्न दोनों ही चेंज हो गए हैं। इसलिए प्रीलिम्स की सीरीज शुरू करने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि जो बदला हुआ सिलेबस है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा जरूर करें, ताकि हमें ये आइडिया रहे कि हम आगे किस तरह से बढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर जो सिलेबस बदला है, इस सिलेबस के बदल जाने के बाद एक प्रश्न तो मन में है ही कि आखिर अगला जो प्री होने वाला है वह क्या केवल इसी सिलेबस के आधार पर ही होने वाला है, क्योंकि ये शंका तो मन में है ही कि जितनी बातें सिलेबस में लिखी हुई हैं क्या उतनी पढ़ लेना काफी है, क्योंकि पहली बार एग्जाम होने वाला है, हमें नहीं पता कि वह सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछेगा या थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस भी पूछेगा। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत अलग से कोई चीज आ जाएगी, अलग से चीज आ जाने का मतलब मेरा ये कि अगर सिलेबस में लिखा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, ये दो ही अधिनियम लिखे हुए हैं, जबकि भारतीय संवैधानिक विकास के अंतर्गत तो बहुत सारे अधिनियम हैं, तो क्या अन्य अधिनियम नहीं पढ़ने हैं? तो यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह, ये शंका तो जरूरी है कि क्या केवल वही दो अधिनियम पढ़ने हैं, और अगर किसी अन्य अधिनियम से प्रश्न आया तब क्या करेंगे? अगर उन अन्य अधिनियमों से प्रश्न आया तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि यह प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस था। स्टेट जी ये कहती है कि सिलेबस बदला है, हमें उस सिलेबस की चर्चा करनी चाहिए, हमें उसका बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। हम सिलेबस को कवर कर रहे होंगे, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, खास तौर पर तब तक जब तक कि एक बार एग्जाम नहीं हो जाता। ये पहला एग्जाम होगा तो हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर एमपीपीएससी हमसे चाहता क्या है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि आखिर सिलेबस में क्या बदला है। हम यहाँ पर प्रीलिम्स के सिलेबस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेंस की तैयारी के लिए तो अभी सिलेबस नहीं बदला है, मतलब इस बार के लिए, अगली बार के लिए तो बदला है। ठीक है, मेंस का हम बाद में देखेंगे जब अगली बार मेंस हो रहा होगा, अभी हम केवल प्रीलिम्स के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, ऐसे 10 टॉपिक उन्होंने सिलेबस में मेंशन किए हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। ऐसा नहीं है यह टॉपिक पिछले सिलेबस में नहीं था, था लेकिन इस तरीके से स्पेसिफाई जो किया है उन्होंने, कैटेगराइजेशन जो किया है, इस तरह का स्पेसिफिकेशन कैटेगराइजेशन जो था वो पहले नहीं था। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो सबसे पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब ये बात देखिए, इन्होंने लिख दिया महत्वपूर्ण घटनाएं, इसका मतलब ये है कि इतिहास की सभी घटनाएं अब महत्वपूर्ण होंगी, तो हमें मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास पढ़ना होगा। हालांकि मेरा अनुभव जो कहता है, उस अनुभव के आधार पर मध्य प्रदेश के इतिहास की प्राचीन घटनाएं पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है प्रमुख राजवंश। तो प्रमुख राजवंश में चाहे वो गजराहो के चंदेल वंश की बात करें, चाहे वो ओरछा में बुंदेला वंश की बात करें, और चाहे हम धारा नगरी के परमार वंश की बात करें, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों की बात हम इस टॉपिक के अंतर्गत कर रहे होंगे। और महत्वपूर्ण घटनाओं के अंतर्गत मध्यकालीन भारत की जो घटनाएं, जिन वंशों की बात मैंने अभी की, और भी कुछ महत्वपूर्ण राजवंश, और जो आधुनिक भारत की घटनाएं हैं उनको हम यहाँ पर महत्व दे रहे होंगे। उसके अलावा जो अगला टॉपिक लिखा हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो बात वही आ गई कि आधुनिक भारत के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो 1857 का विद्रोह हो रहा हो उसमें मध्य प्रदेश का योगदान हो, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा हो या कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया जा रहा हो, उसमें दरअसल मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, हम उस पर भी चर्चा कर रहे होंगे।
इसके बाद लिखा हो मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला। अब यहाँ पर स्पष्ट कर देना होगा कि मध्य प्रदेश की कलाओं के अंतर्गत लोक कलाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे चित्रकला है, मूर्ति कला है, इसमें बहुत अधिक योगदान मध्य प्रदेश का नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ स्थापत्य कला में मध्य प्रदेश का बहुत योगदान है। जैसे हम सांची के स्तूप की बात करें, चाहे वो हम खजुराहो के मंदिरों की बात करें, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, और भी बहुत सारा स्थापत्य है, उसके बारे में हम बहुत जरूरी चर्चा कर रहे होंगे। हालांकि चित्रकला मूर्ति कला में बहुत अधिक योगदान नहीं है, लेकिन स्थापत्य कला एक इम्पोर्टेंट बिंदु बन जाता है यहाँ पर। उसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, ये तो आपको पता है कि जनजातियां जो है, चाहे वो भील हो, गोंड हो, कोल हो, सहरिया हो, बैगा हो, पनिका हो, और भी बहुत सारी जो जनजातियां हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे, और जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, निमाड़ हो, मालवा हो, इन विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं उनके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। और फिर अगर हम आगे बढ़ जाए तो उनके त्योहार, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग त्योहार है, हालांकि कुछ त्योहार राष्ट्रीय है, हालांकि जो राष्ट्रीय त्योहार है उन पर कोई प्रश्न बनेगा, ऐसा सोचना गलत होगा, लेकिन जो मध्य प्रदेश के लोकल त्योहार हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हो, चाहे मालवा हो, चाहे निवाड़ हो, और भी अन्य क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे जैसे भीलों का भगोरिया हो, उन पर प्रश्न बन सकते हैं, लोक संगीत पर प्रश्न बनेंगे, लोक नृत्य, लोक कलाएं, लोक साहित्य, लोक नृत्य, जैसे इस बार आया था एक प्रश्न मार्च करके, और भी ऐसे कई लोक नृत्य हैं, लोक संगीत हैं, लोक साहित्य हैं, लोक साहित्य होता है आला, आला खंड के बारे में आपको सुना होगा। तो कुल मिला के इस पर काफी प्रश्न, इस टॉपिक पर काफी प्रश्न शुरू से ही आते रहे हैं और अभी भी आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, जैसे कि एक बार आया था बिखरे मोती किसकी रचना है, ऐसे रचनाएं और साहित्यकारों के नाम हमेशा से आते रहे हैं और आगे भी आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल, तो बिल्कुल धार्मिक स्थलों में जैसे कि जैन धर्म से संबंधित हो, जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित हो, हिंदू धर्म से संबंधित हो, या किसी भी अन्य धर्म से संबंधित हो, और अन्य पर्यटन स्थल जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, प्राकृतिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक में आप चाहे किलों की बात कर लें कि बहुत सारे किले हैं मध्य प्रदेश में, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में आप जैसे पचमढ़ी की बात कर सकते हैं, या फिर अन्य प्राकृतिक जैसे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सब प्राकृतिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्वों की, तो बहुत सारे ऐसे जनजातीय व्यक्तित्व है मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण है, जैसे कंटिया भील का आपने नाम सुना होगा, ऐसे ही कुछ और अन्य नामों के साथ हम पढ़ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व कौन से हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि मध्य प्रदेश जी के जो हम पहले जानते थे कि भाई एमपीपीएससी प्री तैयारी के लिए मध्य प्रदेश का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो ये जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश जी के कोई समेटे हुए है, थोड़ा सा उन्होंने उसको स्पेसिफाई किया है, कैटेगराइज किया है। पहले उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता था मध्य प्रदेश का, अब इस बार होगा या नहीं होगा ये तो तभी पता चलेगा जब एग्जाम हो जाएगा।